अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? हारिस के लिए रमजान के समय क्या हैं? रमजान टाइम फॉर जबालपुर मदैया प्रदेश इन इंडिया। तो ये जो रमज़ान टाइम है ये 22 मार्च 2023 लेकर 21 अप्रैल 2023 तक रमज़ान कैलेंडर होगा। सबसे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अपने मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे। इसको चौड़ा कर लीजिएगा मोबाइल की स्क्रीन को। इसके बाद इसकी अपने मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा करने के बाद अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा, जो रोशनी इसको तेज़ कर लीजिएगा, इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, वीडियो क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ये रमज़ान कैलेंडर में दो चीज़ें अहम होती हैं, नंबर वन पे सहरी का टाइम, नंबर टू पे इफ्तारी का टाइम। ये देखें, ये दिक्कत होती थी कुछ लोगों को, पता नहीं चलता सहरी इफ्तारी, ये हिंदी में लिख दिया, राइट कर दिया बाकायदा, सहरी का टाइम, ये इफ्तारी का टाइम हिंदी में लिख दिया, इफ्तार टाइम। नेक्स्ट ये सनराइज तलूफ्ताब सूरज का टाइम है, ठीक है, इसका स्क्रीन शूट ले लीजिएगा, 22 मार्च से लेकर ये 31 मार्च तक है, फिर यहाँ 8 अप्रैल तक एक स्क्रीन शूट ले लीजिएगा, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है ये 4 अप्रैल से लेकर ये 21 अप्रैल तक एक स्क्रीन शूट ले लीजिएगा, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। इसके बाद एक बात को कानों की खिड़कियां खोलकर सुनिएगा भाई जान, इन चीज़ों के पीछे एक बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ये देखिए, एक एक लफ्ज़ पहले कंप्यूटर में टाइप किया जाता है, इसके पीछे पहले फिर बहुत ज़्यादा महीनों की रिसर्च होती है, अगर टाइम व्हाट इज़ आवर टाइम ओके, तो रिसर्च के बाद फिर क्लर्क हज़रात इसके ऊपर बड़ी मेहनत के साथ ये कंप्यूटर में टाइप करते हैं, फिर ये होता है एक टीम वर्क, काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं, काफ़ी सिस्टम होता है। काइंडली आप अगर चैनल पर पहली बार, इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर बताएगा नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई और शहर है तो अपना शहर का नाम ज़रूर बताएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।